श्री गुरु रामदास जी दे 450 साल गुरियाई ते श्री गुरु अमरदास जी दे 450 साल ज्योति जोत दिवस संबंधी करवाए जा रहे शताब्दी समागम के दौरान पंजाब के राज्यपाल मानयोग गुलाब चंद कटारिया अज गुरुद्वारा बाउली साहब श्री गोइंदवाल साहब विखे नतमस्तक होए अते सूबे विच आपसी भाईचारक सांझ नूं होर मजबूत करने लई अरदास कीती ता जो पंजाब अमन शांति अते तरक्की दा प्रतीक बन के उभरे। इस मौके पत्रकारां नाल गलबात करदिया पंजाब दे राज्यपाल ने कहा कि उन्हां नूं अज इस पवित्र धरती ते नतमस्तक होण दा सुभागा मौका मिलिया। उन्हां कहा कि सिख गुरु साहिबान ने देश की धर्म संस्कृति नूं बचाउण लई जो महान बलिदान दिता वह केवल पंजाब ही नहीं सगों भारत का कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो गुरुआ की इस महान परंपरा तो जाणू नहीं है। उन्हें कहा कि महान सिख गुरुआ के जीवन और फलसफे ने मनुखता नूं निरस्वार्थ सेवा लई प्रेरित किया है। उन्हें इस मौके होर की कुछ कहा तुसीं भी सुनो। गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के बारे में बहुत से पढ़ लिखा मौका, वो पहले हमारे पाठ्य पुस्तकों में भी होता था सारे देश में, और धीरे धीरे हमारे देश ने पाठ्य पुस्तक से उसको एक तरह से अलग किया। वो इस बात को साबित करता है कि अपने पंथ अपने धर्म और अपने धर्म ग्रंथों की रक्षा के लिए जो भी बलिदान चाहिए वो देने को तैयार है। मैं सोचता हूँ उससे बड़ा बलिदान तो जो चारों बच्चों को उसने इस धर्म पंथ के लिए समर्पित किया। और हम लोगों ने जो पढ़ा है कि फतेह सिंह और जोरावर सिंह इनके लिए धर्म परिवर्तन करने के लिए बादशाह का हुक्म था इसको धर्म परिवर्तन स्वीकार करे तो इसको छोड़ दे नहीं तो इसको दीवार में चुन दे। मैं सुनता हूँ दुनिया में ऐसा उदाहरण पहली बार नहीं मिला होगा कि दोनों भाइयों के साथ एक एक ईंट रखते जाते थे और पूछते जाते थे बोलो तेरी क्या मंशा है बोलो तेरी क्या मंशा है। ईंट रखते रखते जब छोटे भाई के गले में आ गई और बड़े भाई को बहुत अफसोस हुआ उसके आंखों में थोड़ा सा पानी झड़ा है। छोटे भाई ने ललकार करके कहा क्या बात है तुम्हारे मन में कायरता कैसे आई। उसने कहा भैया कायरता इस कारण से नहीं आई मुझे इस बात का दुख है कि धरती पर तू मेरे से बाद में आया लेकिन एक धर्म के लिए तू पहले जा रहा है इसका मुझे मन में दुख है। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे ये देश और धर्म और संस्कृति अगर बची है तो ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों के जीवन के त्याग के कारण से नहीं तो शायद पता नहीं देश में क्या होता क्या नहीं होता। आप सोचो कि इस प्रकार का अत्याचार इस प्रकार का अनाचार की पराकाष्ठा उसमें धरती पर किसी किसी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा किया तो इस संस्कृति को बचाने के लिए सब कुछ देखा। अब चाहे हमारे मेवाड़ में महाराणा प्रताप हो चाहे शिवाजी हो इन लोगों ने केवल और केवल राज की लड़ाई नहीं लड़ी अपने धर्म और देश को बचाने के लिए उन्होंने जिस प्रकार का कष्ट भुगता है वो यहाँ जब माथा टेकते हैं तो हमको भी विचार करना चाहिए कि वो इतना बड़ा दे गए देश को हम भी तो कुछ देश को दें हम भी तो देश को कुछ दे सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने इस पवित्र स्थान पर मत्था टेक कर यही मांगा है कि मेरा यह प्रदेश सुख शांति अमन चैन से अपनी तरक्की करे भाईचारा बना दे और देश की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी हमारे आज़ादी के बाद सैनिकों ने कुर्बानी की उनको भी याद रखे वो भी किसी किसी माँ का बेटा वो भी किसी किसी का पति होगा। सीमा पर आपकी और मेरी हिफाजत के लिए जान गंवा करके भी देश के सिरंदों को ऊंचा रखता वो सब कुछ दे जाता है। अभी भगत सिंह जी का अंतमा है हमने देखा हुआ देश को जगाने के लिए किस प्रकार का अपने आप को समर्पित किया जा सकता चाहते तो भगत सिंह के भाग ही जाते भागे इसलिए नहीं मेरे बलिदान के कारण से देश में उजाल एक जोश आएगा आजादी का जंग लड़ने और इसलिए खुशी खुशी कुर्बान। मैं सोचता हूँ मैं भी यहाँ अरदास करके लिए प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में सच्चाई ईमानदारी न्याय और सेवा ये मुझे आपका आशीर्वाद मिले और मैं जनता के बीच में काम करूँ। आपके सभी बड़े बुजुर्गों का बहुत आभारी हूँ। आप जिस दिन आए थे इस
तेरा को हमारा 450 का दे है, मैंने कहा यार पता नहीं आपका कौन सा दे है, 16 तारीख, मैंने कहा 15 और 16 को मैं वापस उदयपुर चले जाऊँगा, संभव नहीं होगा। तो उनका ठीक है 13 से शुरू होगा आपका। तो आज आपको मैं बोलते धन्यवाद करता हूँ जो आप सब लोग मेरे यहाँ आए और मेरे को ये अवसर मिला है। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं अपनी पूरी ताकत लगा कर ईमानदारी से न्याय के साथ पंजाब की और यहाँ की जनता की सेवा करूँगा। बस यही अरदास करके मैं जा रहा हूँ। अब आप सब बुजुर्गों के आशीर्वाद मिले ताकि मैं अपने काम को आगे ठीक तरह से बढ़ा सकूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी आपने मनाया यार, भाई भाई भले भाई। पर एक विषय है जो प्रधान मोदी जी से कई बार बात किए हैं, विधानसभा के भी उठाया है, राज्यसभा मेंबर भी बोल चुके हैं, सिखों के खिलाफ जो हेट स्पीच होती है सोशल मीडिया पर, उसके मैं आपको इनिशिएटिव लेके ये अपील अभी कह रहा हूँ, मन रहना चाहिए बलिदान की बात के सिखों के आप तो इस प्रकार के शरारती लोग हैं, कानून के तहत उनके विरुद्ध होनी चाहिए, इसको कोई ना नहीं करता। मतलब इसमें कहां तक पहुंच पाते हैं, ये अलग अलग जगह की अलग अलग स्थिति हो सकती है और इस विचार से कोई गलतमत नहीं हो सकता, चाहे वो सिखों के प्रति हो चाहे किसी भी धर्म के शेष पुरुषों के खिलाफ अगर अनर्गढ़ बात करता है तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है, होनी चाहिए। सबका गौतर के पास प्रधान जी जाते थे बंदी सिंहों की राय की आई थी, अभी कुछ आपके साथ का विचार हुआ है कि बंदी सिंहों की राय के सामान्यतः जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है वहाँ तक तो हम जा सकते हैं, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसमें जाने के लिए हमको मिल जाते हैं। थैंक यू जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव पातशाह सिख पंथ के बानी, जिसले सतगुरों का प्रकाश होया तो सतगुरों ने सुल्तानपुर लोधी की धरती से आ के सारियां नूं एक ओंकार का सिद्धांत बख्शिश किया कि गुरु घर सारियां लई जी आया कहिंदे आ, ते सारियां नूं गुरु घर आउण लगे कोई जात पात नहीं पुछी जाती, कोई ऊंच नीच नहीं देखी जाती, कोई वितकरा नहीं किया जाता, एक समतल से समुची मनुखता नूं सतगुरु जी ने एकत्र किया जिहड़ा मुंडला सिद्धांत सी। ते अज इस स्थान ते गुरद्वारा बौली साहब जिथे धन धन साहब सतगुरु श्री गुरु अमरदास पातशाह जी का 450 साल ज्योति जोत रूप दे विच मनाया जा रहा, ते अज साहब श्री गुरु रामदास पातशाह जी का गुरता गद्दी दिवस भी 13 ते 14 तरीक नूं श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी समुचा सिख पंथ जिन्हां दे विच साढ़े निहंग सिंघां दीआं जथेबंदियां, साकार सेवा वाले महापुरश और समुचियां संप्रदावां वो सारियां एकत्र होकर मना रही, तो अज गवर्नर पंजाब वो चेचे तौर पर हाजरी भरन आए। असी बेनती तो उन्होंने की थी भी 16, 17, 18, 3 दिन सतगुरों की असी शताब्दी के पुरब नूं संबंध दे विच इह वड्डी अपने गुरमत का समागम चल रहा, पर वो अज फिर कहिंदे मैं हाजरी जरूर भरनी, अज रझेवे भी सी उन्होंने, और रझेवियां नूं कट शॉट करके अज इत्थे आके नतमस्तक होए आ, और नतमस्तक नहीं होए बहुत वधिया उन्हां नूं आ के महसूस भी किया भी गुरु घर की जिहड़ी परंपरा पंगत ते संगत दी आ, प्रशादा भी छकिया ते प्रैसना भी जिहड़े उह विचार सांझे कीते। सो उन्हां दी आमद दे उत्ते साडे सरदार बलविंदर सिंह जी भोंदड़ प्रधान श्रोमणी अकाली दल वो भी चेचे तौर पर पहुँचे, सारे साढ़े श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहबान, क्योंकि जी सब कमेटी बनाई सी वो सारी पहुंची आ। सो सारिया का धन्यवाद करना, गवर्नर साहब का चेचे तौर पर धन्यवाद करना। उदन साडे ना दिन नहीं सी फिक्स होया, कहिंदे ही यतन करूँगा, पर अज वह उदम उपराला करके इतने पहुंचे आ, जियोया भी तो उन्हों का धन्यवाद भी।